साल हो चुके हैं और ये स्कूल 2013 में इस्टेब्लिश हुआ था। एट द टाइम देयर वर ओनली 76 स्टूडेंट्स। बाय द ब्लेसिंग ऑफ गॉड आवर टुडेज स्ट्रेंथ इज ऑफ अबव 900 स्टूडेंट्स। आवर स्कूल अरेंजेस टाइम टू टाइम जीके कॉम्पिटिशन, ड्राइंग कॉम्पिटिशन, एसे कॉम्पिटिशन, क्विज कॉन्टेस्ट एंड वी आर रियली वेरी ग्लेड टू इन्फॉर्म दैट आवर स्कूल रिजल्ट इज 100%। इसके अलावा साथ ही साथ हम बच्चों को रोबोटिक्स के बारे में बताते हैं, वैदिक मैथ्स के बारे में क्लासेस हमारी चलती हैं और बहुत सारी स्कूल में हमारे ऑडियो विजुअल क्लासेस चलती हैं। छोटे बच्चों को किंडर मेथड के द्वारा बच्चों को एक्टिविटीज़ के थ्रू हम सारी चीज़ें कराते हैं, जिससे बच्चा हर फील्ड में इंटरेस्ट लेता है और बहुत अच्छे से वो अपना वर्क करता है। और सारे पेरेंट्स मेरे स्कूल से सेटिस्फाई हैं और सारा वर्क बहुत अच्छे से करते हैं। अभी हाल ही में मेरे 14 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन सैनिक स्कूल्स में हुआ है, 4 स्टूडेंट्स का नवोदय स्कूल्स में सिलेक्शन हुआ है। सभी बच्चे और पेरेंट्स और हमारा आनंद कॉन्वेंट स्कूल बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं और मैं हमेशा बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ और हमेशा जब तक मैं इस पोस्ट पर हूँ अपने बच्चों के उत्तम भविष्य के लिए तत्पर रहूँगी और आनंद कॉन्वेंट स्कूल के साथ हमेशा खड़ी रहूँगी, जिससे कि मेरे बच्चों का भविष्य उज्जवल हो और सारा वर्क बहुत अच्छे से कर पाए। मेरे पढ़ाए हुए बच्चे आज कोई CA बन चुका है, कोई डॉक्टर बन चुका है, कोई इंजीनियर बन चुका है, इवन कुछ बच्चे प्रिंसिपल की पोस्ट पर भी वर्क कर रहे हैं बहुत कम समय में। मुझे देख करके बहुत खुशी होती है, बहुत अच्छा लगता है कि मेरे स्टूडेंट आज मेरे साथ में खड़े होते हैं। तो सभी बच्चे बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं और मैं हमेशा उनके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। थैंक यू सो मच। जय हिंद एवरीवन। मैथमेटिक्स ये जो सब्जेक्ट है, जब हम इसका नाम सुनते हैं तो कुछ लोगों का जो सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स बहुत ही फेवरेट सब्जेक्ट होता है, लेकिन आज भी हमारे भारत देश में बहुत सारे ऐसे छोटे भाई बहन हैं जिनका परसेंटेज मुझे लगता है थोड़ा ज्यादा है, जो मैथमेटिक्स को डर समझते हैं या वो मैथमेटिक्स से फोबिया रखते हैं। तो उस मैथमेटिक्स के फोबिया को दूर करने के लिए आज से सैकड़ों साल पहले स्वामी भारती श्री कृष्ण तीर्थ महाराज जी ने अथर्व वेद का गहन अध्ययन करके वहां से उन्होंने 16 फॉर्मूले और 13 सब फॉर्मूले को डिस्कवर किया। तो उसी सारे फॉर्मूले और सब फॉर्मूले को ध्यान में रखकर ये बुक है हाउ टू बिकम अ ह्यूमन कैलकुलेटर विद द मैजिक ऑफ वैदिक मैथ्स एंड मेंटल मैथ्स। तो इस बुक में 31 चैप्टर हैं और आज हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य का, बहुत ही गर्व का विषय है और इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद भी देता हूँ हमारे आनंद कॉन्वेंट स्कूल के जो माननीय हमारे डायरेक्टर सर पीयूष सक्सेना जी और जो प्रिंसिपल मैम हैं श्रीमती आभा जी और स्कूल के सभी ऑनरेबल टीचर्स को जिन्होंने हमें यहाँ पे सेवा का मौका दिया। और इस बुक के द्वारा वैदिक मैथ और मेंटल मैथ का हमारा भारतीय अनोखा ज्ञान जो हमारे आनंद कॉन्वेंट स्कूल रामपुर के स्टूडेंट हैं 5th, 6th, 7th और 8th क्लास के उन तक का पहुँचाने का हमें सुअवसर प्रदान किया। तो डेफिनेटली जब ये बुक हमारे आनंद कॉन्वेंट स्कूल रामपुर के बच्चे 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं क्लास के पढ़ेंगे तो वो ना केवल मैथ्स का डर दूर कर पाएंगे बल्कि उनकी मैथ्स में रुचि बढ़ेगी। और जब बच्चे की मैथ्स में रुचि बढ़ती है, जब वो मैथ्स को एक अलग ढंग से फास्ट कैलकुलेशन टेक्निक से करता है तो वो कहीं ना कहीं उसका जो एकेडमिक रिकॉर्ड है मैथ्स में उसको भी वो इम्प्रूव करता है। बच्चे का कॉन्फिडेंस गेन होता है, उसकी क्रिएटिविटी बढ़ती है, उसका कंसंट्रेशन ज़्यादा इम्प्रूव होता है। और जब बच्चे ऐसी बातें सीखते हैं तो कहीं ना कहीं बच्चों का स्किल डेवलप भी होता है। तो मैथ्स की दो लाइनें मुझे यहाँ पे याद भी आ रही हैं जिनको मैं जरूर कहना चाहूँगा, यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा कि अपने आत्मविश्वास को प्लस करो तो अपने गुस्से को माइनस करो, अपने कठिन परिश्रम को मल्टीप्लाई करो तो अपनी परेशानियों को डिवाइड करो। और मैं यहाँ पे देख ही पा रहा हूँ कि आनंद कॉन्वेंट स्कूल रामपुर में इस समय जितने भी डेडिकेटेड टीचर्स हैं बहुत ज़्यादा मेहनत से लगे हुए हैं हमारे स्कूल्स को आगे बढ़ाने के लिए। सारे जो भी टीचर्स हैं उनके चेहरे पे बड़ी बड़ी मुस्कान है इस समय। मैं दोबारा से वो दो लाइनें कहना चाहता हूँ कि अपने आत्मविश्वास को प्लस करो तो अपने गुस्से को माइनस करो, अपने कठिन परिश्रम को मल्टीप्लाई करो तो अपनी परेशानियों को डिवाइड करो, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को प्लस करो तो अपने हाई टेंपर को माइनस करो, अपने हार्ड वर्क को मल्टीप्लाई करो तो अपनी डिफिकल्टीज को डिवाइड करो। और मेरे प्यारे छोटे भैया बहनों, अगर बनना चाहते हो अपने जीवन में ग्रेट, पाना चाहते हो अपने जीवन में कामयाबी क्यों चाहिए तो अपने आज के काम को आज ही पूरा करो। मैंने अपने 6 साल के टीचिंग करियर में बहुत सारे स्कूल्स में विजिट किया है लेकिन इतना डेडिकेटेड टीचिंग स्टाफ मैंने आज तक कहीं नहीं देखा। तो इसके लिए मैं मैनेजमेंट को तहे दिल से बधाई देता हूँ कि जबरदस्त टीम उनके पास है, बहुत जबरदस्त सारे यहाँ पे डायनेमिक पर्सनैलिटी है टीचर्स के रूप में। तो वंस अगेन आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
जल्दी करूंगा आप सभी से मुलाकात। हमारे स्कूल में कई बच्चों की क्लासेस साथ, बनाते रहिए मीठी मीठी बात, निभाते रहिए एक दूसरे का साथ। सुबह खाता हूं मैं कड़ी भात, 10 घंटे बाद हो जाएगी रात। और बच्चों, सेवा करोगे बड़ों की तो मिलेगा आशीर्वाद। और पुनः पुनः आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। Hello everyone, this is Yash Kumar from Anand Convent School. I am a teacher and this school gives you the opportunity to learn about robotics. Robotics is like engineering designing related to the structure and concepts of robots, and in it we teach students about IoT, Internet of Things, in which we teach students about the electronic appliances that connect together and any person from any part of the world can easily access them. इसमें हम बच्चों को इस बारे में बताते हैं कि किस तरीके से जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो खुद रोबोटिक्स के जरिए, जैसे कि हम इजीली कहीं पर बैठे हुए टीवी को, रिमोट को, या जो डोर्स वगैरह होते हैं जिनको हम इजीली रिमोट से कंट्रोल कर सकते हैं, वो टूल्स किस तरीके से वर्क करते हैं। बच्चों को सिखाया जाता है कि किस तरीके से आप इजीली बैठे हुए स्मार्ट फैंस वगैरह आ रहे हैं उनको आप कर सकते हो, तो किस तरीके से वो वर्क करता है। साथ में रोबोटिक्स के साथ में एरो मॉडलिंग के बारे में हमें बताया जाता है बच्चों को, जिसमें इजीली उन्हें बताया जाता है किस तरीके से एरोप्लेन्स वगैरह हैं, जेट्स वगैरह हैं, किस तरीके से डिज़ाइन होते हैं और किस तरीके से ये फ्लाई करते हैं। थैंक यू। गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज़ अरविंद सिंह। आई एम मिडिल स्कूल टीचर इन दिस आनंद कॉन्वेंट स्कूल। आवर स्कूल हैज़ वेरियस टाइप्स ऑफ गेम्स सच एज बैडमिंटन, टेबल टेनिस, फुटबॉल, क्रिकेट। So I encourage all the students to play games, because playing games increase team leadership, team coordination. So there are lots of games. So main itna hi kehna chahunga. Thank you. Hello everyone, I've been the part of Anand Convent School since 2 years. We have very good infrastructure which is well maintained and good for the development of student. So it have a very good academics, and the behavior of the management is also very good. So I am well satisfied here. Thank you. Hello everyone, my name is Sonali Chetri and I'm a teacher of Anand Convent School. The academic facilities and all the infrastructure of this school is really great, and the students get to learn many new things from this school. So I'm really impressed with this school. Thank you. Good afternoon everyone, my name is Akshar Singh of Standard 8. My school name is Anand Convent School. This year robotics is going to be included in our syllabus. Here many kinds of facilities are given, like meditation, dance, music, computer lab, science lab, and yoga classes are also providing us. Thank you. Good afternoon, myself Anuj Lodhi from Anand Convent School of Standard 8. I would like to share my experience of Anand Convent School facilities. There are many facilities available on this school, like sport facilities, dance classes, science lab, and etc. CCTV also available for our security. Thank you. Good afternoon everyone. Myself Akash Sharma, I am a student of class 8. Today I want to share my experience about Anand Convent School. It has many facilities like sports facilities, soft skill training, coding and robotic classes, CCTV cameras, extra room for curriculum activities, kindergarten activities rooms, and etc. Good afternoon everyone, my name is Yuvraj from class 8. I study in Anand Convent School, Rampur. I would like to share my experience on India's best IIT, JEE and NEET facilities at Hyflex Center, now Anand Convent School. And robotic and coding classes are going to be started in Anand Convent School. There are so many teachers who taught us in such a nice manner. This is all about my experience. Thank you. हेलो, आई एम द पेरेंट्स ऑफ मनस्वी राय फ्रॉम क्लास 10. मेरी बेटी यहाँ नर्सरी क्लास से पढ़ रही है, और मेरी बेटी ने यहाँ पर मतलब यहाँ के जो टीचर्स हैं वहाँ एक्टिविटी के थ्रू जो है इजीली बच्चों को राइटिंग है, रीडिंग है, आसानी से बच्चा सीख पाता है. और यहाँ पर बच्चे, हर बच्चे पे अलग अलग टीचर्स जो हैं वो ध्यान देती हैं. और यहाँ पर स्पोर्ट्स डे पे जो है गेम्स कराए जाते हैं, जिसके द्वारा बच्चों का फिजिकली जो है डेवलपमेंट होता है. हेलो, मेरा नाम माधवी है और मेरा बच्चा यहाँ पर 4th क्लास में पढ़ता है. इस स्कूल से मेरे बच्चे ने बहुत कुछ सीखा है. उसमें नैतिकता की भावना आई है, उसमें सहयोग की भावना आई है. सबसे अच्छा मुझे क्या लगता है, यहाँ पर प्रार्थना जो होती है शुरू को, वो एक कंप्लीट प्रार्थना होती है. उसमें प्रिंसिपल मैम और बहुत से टीचर बहुत अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं, जो हर बच्चे के दिमाग में एक अमित छाप छा जाती है. यहाँ पर हर एक्टिविटीज बहुत अच्छे से मनाई जाती है. हर फेस्टिवल पर सभी बच्चों को प्रोत्साहित किया जाता है. मेरे बच्चे ने
बहुत कुछ सीखा है। सबसे पहले वो किसी को नमस्ते, गुड मॉर्निंग, पैर छूना कुछ नहीं करता था, लेकिन ये बातें उसे सारे ही टीचर ने सिखा सिखा के उसको एक बिल्कुल अच्छा छात्र बना दिया है। मैं यहाँ से बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ। थैंक यू।